Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्णा, मैं अंजना गोपी आपका सिंपली एंड ब्लिसफुल ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। और आप सभी बताइएगा कि आप सभी कैसे हैं। और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही है, और आप बताना कि आपके यहाँ पर वेदर कैसा है। तो और थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो जो है मॉर्निंग रूटीन वीडियो है, और ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है। तो आइए इस ब्लॉग को अभी हम आगे बढ़ाते हैं। और अभी मैं यहाँ उठ चुकी हूँ, और उठने के बाद मैंने 5 मिनट के लिए अभी प्रार्थना की है, और सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं अभी किताब को पढ़ूँगी। और आप सब प्रयास करें कि सुबह उठकर अगर आपको फ़ोन चेक करना भी है तो आप एक लिमिटेशन सेट कीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट मैसेजेस देखने हैं और फटाफट से रिप्लाई देना है। और व्हाट्सएप के लिए मैं मना नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी कभी कोई अर्जेंट मैसेजेस भी होते हैं। बट आप प्रयास करें ये सुबह सुबह फेसबुक और ये सब मेल्स में एटलीस्ट आप ना जाएं, ताकि इससे आपका समय बर्बाद ना हो। तो बस अभी मैं 10 मिनट पढ़ चुकी हूँ और हॉल में आ गई हूँ। और वैसे तो मैंने बताया था कि मैं नाइट में ही अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, तो लेकिन मैं हल्का हल्का सा भी क्लीनिंग कर लूँगी। और इसके बाद मैं अभी पीऊँगी एक गिलास पानी, और एक गिलास पानी जो है वो मैं गर्म पीती हूँ। और पहले मैं इसमें हनी और कभी कभी लेमन डाल के पी लेती थी, बट मुझे हमारे ही सब्सक्राइबर्स ने सजेस्ट किया कि माता जी आप ज़्यादा तेज़ गर्म पानी में हनी ना लें, इससे आपको जो है हेल्थ में इफ़ेक्ट हो सकता है, तो मैंने अभी छोड़ ही दिया है। तो बस अभी मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, जो कि आजकल बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। बेशक आप गर्म पानी से ही नहाएं, लेकिन ठंड तो लगती ही है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर तैयार हो चुकी हूँ, और मैं वैष्णव तिलक लगा रही हूँ। और आप सभी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि मैं हर वीडियो में वैष्णव तिलक लगाने के लिए कहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के मैसेजेस पढ़कर, और इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है। और काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर ने ये भी बताया कि आपको देख करके हमने तिलक लगाना शुरू कर दिया है, तो थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय हार्ट, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर बैठकर जप करूँगी, हरे कृष्ण महामंत्र जपूँगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके बाद मंगल आरती के समय से कुछ 10 मिनट पहले, लगभग 4:20 का समय हो रहा होगा यहाँ पर, तो अभी मैं फ्लावर तोड़ने के लिए गैलरी में आई हूँ। और आप सभी को पता है कि ये पारिजात जो पुष्प हैं अभी काफ़ी कम हो गए हैं, 3-4-5 ही आते हैं, बट लेकिन आते हैं। तो चलिए अभी हम मिल करके भगवान की मंगल आरती कर लेते हैं। अभी मेरी मंगल आरती हो चुकी है, और आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी है और थोड़ी सी धुंध भी है, और यहाँ पर राधिका पहले से ही उठी हुई है। और बस अभी मैं उसे थोड़ा सा गर्म पानी दूंगी, और राधिका गर्म पानी पी करके अपनी यहीं पर रजाई में बैठ करके ही थोड़ी सी स्टडी कर लेगी, टेबल्स कर लेती है, कभी कभी राइटिंग कर लेती है, और कभी कभी तो सिर्फ ड्राइंग ही करती है।
तो हमारे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि राधिका का स्टडी टाइम क्या है, तो मैं मॉर्निंग में उसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से काम दे देती हूँ और वो कर भी लेती है, क्योंकि जब बच्चे सुबह उठते हैं तो उनका माइंड काफ़ी फ्रेश होता है और उनको जो भी पढ़ाया जाए वो बहुत जल्दी से याद भी हो जाता है। जहाँ पर मैं अभी बैठी थी चैंटिंग करने के लिए, और अभी हम मॉर्निंग क्लास अपनी शुरू करेंगे। तो बस अभी मंगल आरती हो चुकी है भगवान की, अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी ऑनलाइन क्लास। अभी 5 बजे स्टार्ट होती है और अभी 8 मिनट अभी 5 बजने में, तो मैं भी लॉग इन कर लेती हूँ। और बहुत सारे सब्सक्राइबर ये भी पूछ रहे थे कि माता जी ये लिंक्स कहाँ से मिलेंगे भगवद गीता क्लास के लिए, तो मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने पोस्टर शो किया है उसमें जो आईडी है वो माता जी की है, तो वो सिर्फ माता जी ही ज्वाइन करें, और प्रभु जी के लिए जो आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूँगी, तो वहाँ से आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस अभी मेरी एक माला बची थी, मैंने वो कंप्लीट की है और अभी मैं थोड़ा डस्टिंग कर लूँगी। और डेली मैं सारी की सारी डस्टिंग नहीं करती हूँ, मैं 2-4 चीज़ें ही रोज़ साफ़ करती हूँ। और कई हमारे सब्सक्राइबर ये पूछ रहे थे कि क्या माता जी जो 16 माला या फिर हम जितनी भी माला का हमने प्रण लिया है, क्या वो एक सिटिंग में ही होना चाहिए, मतलब एक ही बार बैठे हैं तभी होना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं कि मैंने भी 2 बार में ही अपना जप समाप्त किया है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि अगर आप सुबह में ही अपना जप समाप्त करें तो वो बेटर है, क्योंकि उस समय आप सत्वगुण में होते हैं। तो आप प्रयास, और अब इसका अर्थ यह भी नहीं है कि अगर आप सुबह माला किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं तो आप पूरा दिन भी माला नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी समय पर जप कर सकते हैं। और यह जो सुबह का समय होता है वो सबसे उत्तम समय होता है जप करने का। तो चलिए अभी हम रूटीन को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं राधिका की शरारतें मेरे साथ शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जब मैं कुछ भी काम करती हूँ तो उसको लगता है कि मैं भी करूँ, तो बस हम दोनों मिलजुल करके जो है फ्रिज क्लीन कर रहे हैं बाहर से। तो बस राधिका ने कहा मुझे भी लगाना है, तो अब वो अपनी इच्छा से कभी इधर कभी उधर लगा देती है, तो नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी। तो बस चलिए अभी हम रूटीन को और आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आप सबको छत पे लेके जा रही हूँ, और वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंड है, और बस कुछ थोड़ा सा मुझे छत पे काम था इसलिए मैं गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी थोड़ा सा घुमा लाती हूँ छत पर से। तो बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड है, और जो हवा चल रही है हल्की हल्की सी वो बिल्कुल चुभन दे रही है। तो पीछे देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा है, और फोग थोड़ी सी कम हो गई है। तो चलिए अभी हम नीचे चलते हैं और अपनी सेवाओं को आगे बढ़ाते हैं। और ये कल के कपड़े पड़े हैं और अभी तक सूखे नहीं हैं, तो मैं इन्हें स्टोर में ही रख कर आ गई हूँ, और जब भी थोड़ी सी भी धूप निकलेगी तो मैं इन्हें फिर से डाल दूँगी। तो चलिए अभी हम नीचे चलते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं राधिका रानी, जहाँ जहाँ उसकी मम्मी वहाँ वहाँ राधिका, और ये कुछ बॉक्सेस प्रभु जी लाए हैं प्रसादम पैकिंग के लिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब जाते हैं उसके लिए। तो बस चलिए अभी हम किचन में चलते हैं ठाकुर जी की, और सबसे पहले जो है मैं गैस पे हल्का सा ऐसे ही कपड़ा मार लेती हूँ, और सारा का सारा जो काउंटर टॉप है उसको भी एक बार ही क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं ठाकुर जी के लिए आज बनाऊंगी शाही पनीर की सब्ज़ी। और इस व्लॉग में मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ, और मैंने बताया था कि मैं जो है वैष्णव प्रसादम सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप उसमें उसको अलग से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है अभी मैं थोड़ा से फ्रूट और थोड़ा सा आंवला, और आज मेरा फ्रूट्स खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने आधा ही सेब लिया है, तो ये मैं प्रसादम रेडी कर रही हूँ। और यहाँ इस समय पे मेरे जो ऑफरिंग हो चुकी थी, और ये लगभग 9:30 से ऊपर का समय हो रहा है इसमें,
और ये कल के ही कपड़े हैं जो अभी तक सूखे नहीं हैं, और क्योंकि आजकल रेनी वेदर चल रहा है तो मैं इन सबको दोबारा से हवा में डाल दूंगी ताकि कुछ तो सूख ही जाएंगे। तो चलिए अभी मैं प्रसाद ले रही हूँ, आप भी मेरे साथ प्रसाद ले लीजिए। और शाही पनीर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना अपने ठाकुर जी के लिए। और राधिका ने तो इसको पास कर दिया है कि अच्छा बना है, और एक्चुअल में ये बहुत ही लाइट और बहुत ही डिलीशियस बना था। तो रेसिपी जल्दी आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी। और हमारे सिंपली एंड ब्लिसफुल सब्सक्राइबर जो हैं उनको रूटीन वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, तो और इस बार सभी ने मुझे कहा था कि माता जी डिटेल्ड वीडियो दीजिए, तो मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ डिटेल्ड वीडियो देने का। और आप सभी को पता है कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है और काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है, और मैं पूरा पूरा प्रयास तो कर रही हूँ। तो अभी जो ये वीडियो है मैं यहीं एंड करना चाहूँगी, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एडिटिंग कर ली है उसकी। तो वन बाय वन मैं आप सभी के साथ जो मेरा मॉर्निंग रूटीन, उसके बाद आफ्टरनून रूटीन, देन इवनिंग टू नाइट रूटीन, सबके सब रूटीन मैं डिटेल बनाऊंगी इस बारी और आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी रहिए। एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सारी की सारी ब्लिसफुल वीडियोस पहुंच सकें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो ही रहा है, तो यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो। और राधिका की शरारती ऑन है, तो अभी हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी और बहुत ही एनर्जेटिक रूटीन वीडियो के साथ। और ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जगतगुरु शीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, हरे कृष्णा।